Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing parabola. This is the second video lecture. In first video lecture, we have discussed about the conic section and the definition of parabola. And one general equation we have derived, that y square is equal to 4x, is the equation of parabola. Let me proceed forward after that. Y square is equal to, last class mein humne ye sikha tha, y square is equal to 4x is the equation of parabola. Aur is parabola ka equation jo tha, wo kuch is tarah ka tha. Hai tha na? Aur isme humne ek baat kahi thi, aapko aaj phir recall kara dete hain ki isko hum kehte hain center of parabola, that is 0 0 coordinate hota hai iska. Aur ye hota hai focus S. इसको हम कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला, इसका कोऑर्डिनेट होता है 1, 0. और इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. और इसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, बताओ, आपने सीखा ना, याद है नहीं है? एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू जीरो होता है. और इसको हम कहते हैं क्या, डायरेक्ट्रिक्स. और इसका इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज x = x + a = 0 और x = -a. ये हमने पिछली क्लास में सीखा था और ये हमने डिराइव किया था. और साथ में ये भी कहा था कि ये सब यहाँ पर एक लैटस रेक्टम शब्द होता है, l और l डैश, इसको हम कहेंगे लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम सबसे पहले आज इसी को डिफाइन करते हैं कि लैटस रेक्टम होता क्या है और ये क्या है l डैश. इसकी हमने बात बताई थी आपको कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है. ये लैटिन वर्ड है, लैटस रेक्टम, रेक्टम इज इक्वल टू 4a. ये बात बताई थी हमने. आज इसको देखते हैं कि 4a क्यों होता है और लैटस रेक्टम होता क्या है. सबसे पहले यही बात समझने की कोशिश करते हैं कि लैटस रेक्टम क्या होता है. तो एक डेफिनेशन पे ध्यान जाता है हमारा कि लैटस रेक्टम क्या है. ध्यान से देखिए, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है जीवा, जीव टाइप का, जो अंदर का है पूरा, लैटिन वर्ड है. लैटस रेक्टम क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होगा. इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट perpendicular to the focus, perpendicular to the focus and end points lies on parabola. ठीक है, तो perpendicular है, focus x axis पे है और x axis पर कोई चीज perpendicular है, मतलब y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पे क्या है, पैरेलल है. x एक्सिस पर परपेंडिकुलर कौन होता है, y एक्सिस होता है. और ये लाइन सेगमेंट भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये भी y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. तो y एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन और a 0 से पास कर रहा है. y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो उसका इक्वेशन होता है x = constant. कौन सा कॉन्स्टेंट, जिससे वो पास कर रहा है. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x = a से पास कर रहा है, तो इसलिए इसका इक्वेशन हो गया x = a. सो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम इज x = a. इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम इज x = a, राइट. Equation of lattice rectum is x = a. ये हो गया equation of lattice rectum. और equation of parabola आपको पता है, equation of parabola is what, nothing else but y² = 4x. अब सवाल ये है कि इसका भी equation आपको मालूम है और इसका भी equation मालूम है और दो चीज का equation मालूम हो जाए तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, दोनों को सॉल्व कर देते थे. सर्कल में क्या करते थे, तब भी सॉल्व कर देते थे. तो यहां क्या करेंगे, यहां भी सॉल्व कर देंगे. दोनों इक्वेशन को
सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है, है ना? तो हम यहां भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. एंड व्हाट विल हैपन देन कि दोनों को सॉल्व करने से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सॉल्व करने से क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एंड x के बदले क्या रख देंगे, a. तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर दैट इज प्लस माइनस 2a. यानी जब x a होगा, when x इज इक्वल टू a तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2a होगा. इसका मतलब हुआ कि a x a देन y 2a एंड x a देन y माइनस 2a आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट. दो जगह पे दोनों मिलते हैं, एक a कॉमा 2a पे और एक a कॉमा माइनस 2a पे. तो a 2a ये पॉइंट हो गए और l डैश जो है वो क्या हो जाएगा, a और माइनस 2a, ये हो गया दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. l इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ये हो गया l और ये हो गया l डैश. नाउ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, नाउ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज, नाउ length of lattice rectum is L L S is what? This is the length, distance between two points, even you can write. And distance between two points is what? A minus A whole square, right? Because both coordinates are A, and plus 2A minus minus 2A whole square, that is minus 2a would be plus 2a. तो ये हो जाएगा 0 का square plus 4a का whole square, 4a whole square. And then what will happen? It will remain 4a. वैसे भी ये formula लगाने की जरूरत नहीं थी. यहाँ से ये 2a है, y coordinate ये 2a है और ये भी 2a है, तो 2a plus 2a मिलके कितना हो गया, 4a. लेकिन conceptual development के लिए हमने ये बात बता दी. हमें तो पता ही था कि यहाँ तक y coordinate 2a है, यहाँ से नीचे भी 2a है, तो 2a plus 2a मिलके क्या हो जाएगा, 4a. Distance है, coordinate negative हो सकती है, लेकिन distance negative नहीं हो सकती. Coordinate can be negative. ये माइनस 2a लिखने का मतलब है कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, डिस्टेंस कितना है 2a और ऊपर में डिस्टेंस कितना है 2a, तो 2a plus 2a मिलके कितना हो जाएगा 4a. इसलिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 4a. मतलब लैटिस रेक्टम है क्या, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं. लैटिस रेक्टम इट इज ए लाइन सेगमेंट नॉट ए लाइन. व्हाई नॉट लाइन, लाइन का कोई अंत नहीं होता, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है. तो लैटिस रेक्टम कोई लाइन नहीं होता, क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है. लाइन सेगमेंट की लेंथ पता की जा सकती है, ये कितना बड़ा है इसका लेंथ पता की जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से एंड क्या है, फिक्स है. लेकिन रे की लेंथ पता नहीं की जा सकती है, क्योंकि इधर कितने भी दूरी तक बढ़ सकता है. इस लाइन की लेंथ पता नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों तरफ कितने भी दूरी तक बढ़ सकता है. तो जिसकी लेंथ पता कर सकते हैं वो सिर्फ क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है. तो लैटिस रेक्टम इज नॉट ए लाइन बट ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू फोकस. लाइन सेगमेंट है लेकिन कहां है, परपेंडिकुलर टू फोकस. एंड इट्स पॉइंट्स लाइज ऑन एंड ऑफ पैराबोला, पैराबोला के एंड पे इसके दोनों पॉइंट लाई करते हैं. एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कहां लाई करते हैं, पैराबोला. तो ये है लैटिस रेक्टम. ये सिर्फ पैराबोला में ही नहीं होगा, ये इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा, सब में यही डेफिनेशन है. अगर ये पैराबोला में है तो इसके एंड पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, अगर ये इलिप्स में होगा तो इसके एंड पॉइंट इलिप्स पे लाई करेंगे, अगर ये हाइपरबोला में होगा तो इसके एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे लाई करेंगे. बट हमेशा से परपेंडिकुलर टू द फोकस रहेंगे, इसलिए हमने ये लिखा है कि इट इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द फोकस. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. अब अगर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे तो ये वाई के पैरेलल होगा. एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज परपेंडिकुलर है इसका
लाइन होगी तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x is equal to constant होता है। तो x is equal to constant हमने लिख दिया, किस पॉइंट से पास कर रहा है, a से, तो x is equal to a होगा। मतलब इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी y के कोऑर्डिनेट तो बदल सकते हैं लेकिन x का कोऑर्डिनेट कभी भी नहीं बदलेगा, थ्रू आउट द पॉइंट x a ही रहेगा किसी भी पॉइंट पर थ्रू आउट द लाइन और ऑन एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो x a, इसलिए इसका इक्वेशन होता है x equal to a। अब इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता है, तो हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, किस काम के लिए, किस खुशी में सॉल्व करेंगे, टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन l और l डैश। तो इन दोनों को सॉल्व करने से, इन दोनों को सॉल्व करने से ये मिल गया। सॉल्व कैसे करेंगे, x की जगह पर a रख देंगे, 4a पहले से था, a और आ गया, 4a स्क्वायर हो गया, y square equal to 4a square, y equal to plus minus 2a। इसलिए दो point of intersection आ गया, एक a और 2a, दूसरा आ गया a और minus 2a। अब यही line segment की length निकाल ली है, तो ऊपर भी 2a है, नीचे भी 2a है, तो total length कितना हो गया, 4a। That is, even by distance formula you can derive like this, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो ये lattice vector सबके लिए लागू होगा। अब पैराबोला हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। पैराबोला कैन हैव डिफरेंट आइडियाज एज वेल एंड कैन हैव डिफरेंट शेप एज वेल। पैराबोला कैसा भी हो सकता है, ये समझने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लिया है जिससे हम पैराबोला को इंट्रोड्यूस कर सके। पैराबोला के बहुत तरह तरह के इक्वेशन हो सकते हैं। अभी इसके एक जुड़े भाई की बात कर लेते हैं कि पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, उसी डेफिनेशन के हिसाब से। फिक्स पॉइंट हमने पहले x एक्सिस पे लिया था, अगर मैं फिक्स पॉइंट y एक्सिस पे लेता, ये ले लेता 0, a, तो पैराबोला ऐसा होता, ऐसा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पैराबोला के कितने तरीके हो सकते हैं, इवन दो कि उसका फोकस कहां है, तो वाई एक्सिस पे। तो अभी हम चूंकि एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि पैराबोला, ऐसा पैराबोला कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर कहां पर हो, सेंटर यानी वर्टेक्स, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। तो ऐसा पैराबोला की हम बात करना चाहते हैं जिसका ये सेंटर यानी वर्टेक्स ये कहां हो, ओरिजिन पे हो, 0, 0, ये है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसी को हमने पिछले में सेंटर भी कहा था, दैट इज बेसिकली वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये वर्टेक्स है और यहां पर इसका फोकस है, क्या फोकस है, 0, a। अब ये पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस एक फिक्स लाइन के साथ होनी चाहिए, तो लाइन पीछे होगा। यहां से ये a डिस्टेंस पे है, अगर इतना जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे यहां पर ये होगा, यानी ये लाइन कैसा होगा, यहां से यहां तक ये है तो यहां से यहां तक भी a होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -a। और इससे पास हो रहा है ये हमारा लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स इससे पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y is equal to minus a और y plus a is equal to 0, ये होगा। इस पैराबोला में भी हमें सब चीज मिलेगा, आप इससे भी इक्वेशन डिराइव करोगे तो यही मिलेगा। अगर पैराबोला यहां हुआ, आप वैसे ही करोगे, ps p कोई पॉइंट ले लो वेरिएबल, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये हुआ s है, ps और ये क्या होगा, pn। तो PS is equal to PM, जल्दी से करके देख लेते हैं। If PS is equal to PM, then what will happen? According to definition, PS हो जाएगा, फिर यहाँ पे P और S के बीच का distance, x1 minus 0 का whole square plus y1 minus a का whole square, और PM क्या होगा? Length of perpendicular from point to the line, xy के जगह पर x1 y1 रखना, मतलब y1 plus a divided by under root x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x यहां है नहीं, उसका कोफिशिएंट हम क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। अब फिर स्क्वायरिंग करोगे तो वही चीज आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a y1,
यहां से क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay1 a स्क्वायर y1 स्क्वायर a स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां बच जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ay1 इस साइड आकर के क्या हो जाएगा 4ay1 ठीक है। अब वही बात लोकस ऑफ px1 y1 जब भी लोकस निकालना है इतने समय से हम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और बताते हैं कि लोकस जब भी निकालना हो तो उस जो फिक्स पॉइंट को आपने लिया हुआ है उसको वेरिएबल नेचर देना होता है। मतलब x1 y1 तो एक फिक्स पॉइंट हुआ ना और x y दे देंगे तो उसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं वेरिएबल में खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे h व्हाट x1 की जगह पर x x2 और y1 की जगह पर y तो यही इक्वेशन आ जाएगा। यानी डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। आप उस डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी पैराबोला का इक्वेशन किसी भी सर्कमस्टेंस में निकाल सकते हैं। आगे हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे और दिखाएंगे कि अलग-अलग सर्कमस्टेंस में पैराबोला का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है। लेकिन दो तरह से अभी हमने किया, एक पिछले लेक्चर में किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अभी किया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दोनों में फर्क क्या है? जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये पैराबोला हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो फोकस x एक्सिस पे ना होके कहां है y एक्सिस पे है। डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल ना होकर के कहां है x एक्सिस के पैरेलल है। ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स 0 0 है, इसका मतलब हम इसमें ये सारी बातें याद रख सकते हैं। पहला ये कि फोकस क्या होगा, तो फोकस इसका होगा, फोकस जो होगा वो होगा इसमें फोकस 0 कॉमा a, पहला चीज। दूसरा वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स होगा इसका 0 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स इसमें भी होगा आपका y plus a equal to 0। पहले क्या होता था x plus a equal to 0, अब क्या होगा y plus a equal to 0। चौथी बात क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पहले होता था x एक्सिस, अब क्या है y एक्सिस। y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, that is x is equal to 0, y पर throughout क्या होता है, x 0 होता है। और आखिरी बात कि length of lattice rectum का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया टाइप, length of lattice rectum है ना, ये क्या होगा, ये अभी भी 4a ही रहेगा, ये होगा लैटस रेक्टम। उसी तरह से आप डेफिनेशन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये होगा 4a। कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो यहां पर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट है, y is equal to a हो गया। लैटस रेक्टम का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा ये कोऑर्डिनेट a, 2a और ये कोऑर्डिनेट आएगा a, -2a। x एक्सिस इधर में नेगेटिव होता है, ये डिस्टेंस भी 2a, ये डिस्टेंस भी 2a, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 4a। यानी ये लैटस रेक्टम होगा, ये भी क्या है, फोकस पर परपेंडिकुलर है और उसके एंड पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं, पैराबोला पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें ये समझना होगा कि पैराबोला कौन से टाइप का है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टाइप है। जिस टाइप का होगा उस टाइप का हमें इसके जरिए उसी तरह से ये सारी चीजें बदल जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो, चाहे एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन हो, चाहे फोकस का हो, सब कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक बार इन दोनों की जल्दी से पैरेलल स्टडी कर लेते हैं कि क्या होगा दोनों की पैरेलल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और उसके बाद हम आगे नई बात सीख लेंगे। तो जल्दी से एक बार देखते हैं दोनों ही पैराबोला में, पैराबोला टू टाइप्स, ये हो गया कौन सा इक्वेशन, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस
दिस इज द इक्वेशन राइट, इक्वेशन हो गया ये पैराबोला, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दीज आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसमें क्या होगा फिगर, फिगर आप देखते हैं कैसा बनेगा, फिगर थोड़ा बना दें इन दोनों का अलग अलग, और अलग अलग फिगर में पैराबोला अगर y square is equal to 4x होगा तो इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरह का, ये पैराबोला होगा, अगर इसमें x square is equal to 4ay होगा तो ये कुछ इस तरह का होगा, तो ये हो गया x square y axis, x axis 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, ये 0 comma a, और ये क्या हो गया यहां पर a comma 0, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, ये भी क्या है वर्टेक्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स राइट, इसका डायरेक्ट्रिक्स पीछे होगा डायरेक्ट्रिक्स इसका, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां होगा, इसका कोऑर्डिनेट भी होगा 0 कॉमा माइनस ए, और ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो ये हो गया फिगर, उसके बाद अब इसमें बात करते हैं ये इसका लैटस रेक्टम कहां होगा, ये होगा इसका लैटस रेक्टम l और l डैश, इसका लैटस रेक्टम क्या होगा ये l और ये l डैश, कोऑर्डिनेट अगर जानना चाहे तो क्या होगा a, 2a, a, -2a, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 2a और ये a, -2a, सो ऑल दीस थिंग्स आर लाइक दिस राइट, ये हो गया एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहां पर एक्सिस ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला राइट, तो सीधी सी बात है कि अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं, दोनों में ही ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0 0, ये क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स है 0 0, फोकस क्या है इसमें a, 0, इसमें क्या है 0, a, ये है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसमें है x plus a is equal to 0, इसमें y plus a is equal to 0, this is called directrix, and equation of length of lattice rectum क्या होगा, इसमें भी 4a, इसमें भी 4a, distance है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, length of lattice rectum, ठीक है, एसेंट्रिसिटी दोनों में ही 1 के बराबर होगा, दोनों में एसेंट्रिसिटी 1 है, तो पैराबोला का नेचर समझकर आपको कौन से टाइप का है इसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं कि पैराबोला हमारा कैसा है और उसका फिगर कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर फोकस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स कैसा होना चाहिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको पैराबोला के इक्वेशन से डिसाइड होगा, ये पैराबोला की इक्वेशंस अल्टीमेट नहीं है, ये पैराबोला के इक्वेशंस क्या है ये सिर्फ सिग्निफिकेंस है उनका, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जिनका सेंटर कहां होता है ओरिजिन पर होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पैराबोला जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही हो, जैसे पैराबोला के शेप ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी पैराबोला हो सकता है, ये भी पैराबोला हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में सबके वर्टेक्स ओरिजिन पे हो ये जरूरी नहीं है, सबका एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, सबका फोकस में एक कोऑर्डिनेट 0 हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उन सब को अलग अलग कैसे हम करेंगे और कैसे सीखेंगे इसको थोड़े से समय के बाद हमें पता चलेगा, फिलहाल आपको ये दो चीजें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अब ये दो ही याद रखना है, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं सिर्फ ये दो याद करो, इस दो के साथ दो और फ्री में होता है, दो के साथ दो फ्री में, जैसे इक्वेशन अगर ऐसा हो माइनस हो जाए और यहां भी माइनस लगे इसमें तो पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, तो जरा ये देखिए ये फिगर्स बदल जाएंगे और बाकी चीजें भी फटाफट बदल जाएंगी, कैसे आपको एक जगह पर माइनस से रखना है तो पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, ये देखिए पैराबोला इधर निगेटिव एक्सिस की तरफ होगा,
यानी a माइनस ए कॉमा जीरो इसका हो जाएगा फोकस, वर्टेक्स ये है राइट, और ये हो गया फोकस, डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस वही रहेगा, एक्सिस बदलेगा नहीं, लैटिस रेक्टम ये हो गए एल डैश और एल, लैटिस रेक्टम ये हो जाएंगे, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए फोर ए वाई होगा तो ये जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी ये जीरो कॉमा माइनस ए, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स पहले y प्लस ए था अब क्या हो जाएगा y माइनस ए, वर्टेक्स जीरो जीरो पहले भी था अब भी है, लैटिस रेक्टम पहले भी फोर ए था अब भी है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्टेंस है इनमें फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वर्टेक्स जीरो जीरो ये एक जगह पर क्या रखना है माइनस ए, तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा, इसलिए अलग से याद रखने वाली कोई बात नहीं है, माइनस ए माइनस ए, यहां भी एक जगह पर माइनस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए, यहां भी एक जगह पर रखेंगे माइनस ए तो क्या हो जाएगा माइनस ए, और कोई नई बात होगी नहीं, ये माइनस ए इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है ना, तो ये माइनस फोर ए नहीं कहेंगे, ये एक डिस्टेंस है इसलिए इनके लिए माइनस इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट तो निगेटिव हो सकती है ना, इसलिए ये क्या है, ये फोकस का कोऑर्डिनेट है तो वहां पर एक जगह पर माइनस ए रख देंगे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज सिर्फ दिमाग में रखने की है कि अगर a नेगेटिव हुआ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई या वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स होगा तो ये नेगेटिव रीजन में पैराबोला होंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ये x एक्सिस के इधर की तरफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स अगर इधर की तरफ है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स इधर की तरफ होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स अगर अपवर्ड था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई अगर अपवर्ड था तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई डाउनवर्ड होगा, उल्टा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि पैराबोला इधर है, पैराबोला के पेट में फोकस होगा तो इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा राइट, यहां फोकस होगा तो इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस ए है, ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू ए होगा, पॉजिटिव पर कोऑर्डिनेट a होगा तो x प्लस a इज इक्वल टू जीरो हो गया, यहां पर y माइनस a इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इस तरह से आप इनको एनालाइज कर सकते हैं, ये सब बेसिक इक्वेशन है पैराबोला को, चार तरीके से आप समझ गए, लेकिन इसमें याद दो ही रखना है, दो आप कंसेप्ट के आधार पे कर लेंगे, अगर चारों याद करने के लिए कोशिश करोगे सब कुछ फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स ये वो तो आपको दिक्कत होगी और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, कंपेयरिंग करते वक्त अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव, हम उसको एक ही तरह से डील करेंगे कि ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बस इतना डिफरेंशिएट करना है, इससे ज्यादा डिफरेंशिएट करने की अभी जरूरत नहीं है, हम उस पैराबोला को ये करेंगे, तो आपको ये चार चीजें याद रखना है दोनों में और ये समझना है कि ये चार चीजें आती कैसे है, इसका मतलब क्या है, और ये एक बात और कि फोकस से लेकर ये डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमेशा याद रखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, जितना ये डिस्टेंस है a उतना ही ये डिस्टेंस है a, तो ये दोनों का मीन पॉइंट होता है, इसकी कलाकारी और इसका उपयोगिता आगे पता चलेगा, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे इससे फायदा क्या होगा, फिलहाल आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे कि पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला विल बी, x का पावर इवन होगा तो y के सिमेट्रिकल होगा, ये y एक्सिस है इसके सिमेट्रिकल है, यानी y एक्सिस के जैसा इधर वैसे इधर, और अगर y का पावर इवन होगा तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क, write us, we will answer surely. Thank you very much. God bless.